मराठी क्या मामला है यहाँ से आते महाराज जो है रस्सी पे कंधे पे लटक गए। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, कहें कि वो जल्दी हम लोग अरे यार खराब हो रहा दिया है। हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को जमीन पे लेटे हुए थे, रस्सी फंसी हुई थी और सैन में रस्सी लटकी हुई थी। अरे आईडी नीचे करो, सैयद भाई खराब हो रहा है, मृत्यु हो चुकी है। आईडी नीचे करो, आईडी नीचे करो भाई, सैयद भाई खराब हो रहा है। हम ये समस्या जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है भाई, आत्महत्या उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है इस तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है और ये दुखद है। हम आप सबसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाए। एक जो हमारे प्रयाग किसान है पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आगे उनकी दुखद मृत्यु हुई है, हमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो होगा आगे हम विवेचन करो यार, हम आगे की कार्यवाही करेंगे। और इस संकट की घड़ी में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग शांति बनाएं और महाराज का जो हम लोगों को लीगल कार्यवाही से करने में सहयोग करें। जिस सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें कोई मौत का कोई संदेह जलाया उन्होंने, अभी हम पढ़ रहे हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने आत्महत्या की लिखा है कि मैंने आत्महत्या की और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, इसके बारे में उन्होंने ऐसा। अभी तक आप लोग की जांच पड़ताल में क्या बात सामने आ रहा है? पड़ताल अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये उनके प्राइवेट कमरे में मिला था सर? नहीं, उनके जो गेस्ट हाउस है जहाँ वो रात में नीचे दिन में रहते हैं उस कमरे में फैन से लटका हुआ। लगभग सूचना 5:20 जिससे आनंद गिरी का नाम जिक्र किया उन्होंने और उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र आनंद गिरी का और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया। आनंद गिरी का भी नाम, आनंद गिरी का भी नाम और मैं नीचे जी उसमें भी उनका भी नाम, लेकिन अभी हम विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे कारणों से किसी थे और जिससे वो आश्रम जाए, उन्होंने ये लिखा कि मैं सम्मान से लिया और मैं सम्मान के बिना नहीं रह सकता, मैं क्या करूंगा कैसे रहूंगा, मैं एक बार बार लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा। ये सारी की बातें उन्होंने बहुत ही मार्मिक चीजें लिखी हैं, लेकिन इस परेशानी से बड़े संत थे और पूरे प्रयाग की शान थे, जिला परिषद के अध्यक्ष थे, इसलिए किसको अपनी गलती किसी को सौंपने की बात भी और अभी लेटर फोरेंसिक जांच के बाद ही हम रिलीज करेंगे क्योंकि किसने लिखा है क्या लिखा है अभी हम फोरेंसिक इसकी कर रहे हैं, लेकिन जो लिखा है उसको लोगों को पहचान है कि सर कमरा अंदर से बंद था या खुला? ये बंद अंदर से बंद था, तोड़ा गया कमरे को। सूचना कैसे मिली पुलिस? सूचना फोन से जब उनके शिष्य ने दी जी, यहाँ पे जो उनके मुंशी हैं उन्होंने दी, झंडू ने।